Okay, so in the alkylation, you know that this amine will act as a nucleophile. ठीक है, ये जैसे आपकी प्राइमरी अमीन है, फॉर एग्जाम्पल दिस अमीन इंटरेक्टिंग रिएक्ट विद मिथाइल क्लोराइड, तो क्या होगा बेटे, ये लोन पेयर है, यहाँ पे आके अटैक करेंगे और ये क्या बन जाएगा, डाई मिथाइल अमीन. ओके, टू ध्रुव्स आर कमिंग. चलो कंप्लीट सकते हो, उसे ही एल्काइलेशन कहा जाता है जिसको हमने मोनोलाइसिस कहा था. ठीक है, इन द सेम वे आप इसकी जगह पे एरोमेटिक अमीन भी ले सकते हो. तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एनिलीन लू, ठीक है, CH3Cl से रिएक्ट करूं तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगी, ये Cl को बाहर निकालेगी, तो एन सब्स्टिट्यूटेड राइल अमीन हमें मिल जाएगी. ठीक है, ओके, एंड उसके बाद आप फर्दर फिट से इसको CH3Cl से रिएक्ट कर सकते हो, तो एन एंड डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइल अमीन मिल जाएगी. और अगर आप फर्दर रिएक्ट करते हो तो हमें क्या मिल जाएगा बेटे, सॉल्ट मिल जाएगा. ओके, तो ये रिएक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं इन द प्रिपरेशन, इट इज नथिंग बट द प्रिपरेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ अमीन्स. ओके, दिस इज अ प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ अमीन्स. ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सो लेट अस टेक द नेक्स्ट वन, दैट इज एसिटाइलेशन. एल्काइल ग्रुप होता है बेटे R, असाइल ग्रुप क्या होता है, असाइलेशन जब आप करते हो वो RO है. ठीक है, असाइल का मतलब है RO, दैट इज असाइलेशन. तो आपने कोई भी अमीन ली, उसको एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करना है, एसिड क्लोराइड. तो क्योंकि ये एसिड क्लोराइड है तो आपको बीच इधर से क्या निकलेगा, H, और इधर से क्या निकलेगा बेटे, Cl. एल्डिहाइड की टोन का चैप्टर का टेस्ट हुआ था, बच्चे ये रिएक्शन लिख रहे थे कि हमें असाइलेशन आती है एंड दे आर राइटिंग द रिएक्शन ऑफ अमीन्स. तो असाइलेशन दोनों में होती है, अमीन्स वाली भी होती है, ये भी होती है, बट द टेस्ट इज ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स. ठीक है, तभी कहते हैं नकल भी अकल के साथ होती है. ओके, तो यहाँ पे बेटे यहां से H निकलेगा और यहां से Cl निकलेगा, तो ये असाइल ग्रुप आ गया. तो दैट इज यू विल गेट CH3NHCO CH3. ये है क्या लिंकेज, ये अमाइड लिंकेज नहीं है, दिस इज अमाइड लिंकेज ओनली. ठीक है, अमाइड लिंकेज. असाइल जो एसाइलेशन है वो सिर्फ एसिड क्लोराइड के साथ नहीं होती, वो एसिड एनहाइड्राइड के साथ भी होती है. इवन यू कैन टेक एसिड एनहाइड्राइड ऑल्सो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चेंज करूँ आपके लिए, आई हैव टेकन इथाइल अमीन और मैंने एसिडिक एनहाइड्राइड ले लिया, दिस इज एनहाइड्राइड, दैट इज अदर डेरिवेटिव ऑफ एसिड. ठीक है, तो यहां से H, लेट मी डू दिस, यहां से H और एसिड का एक जो एक पार्ट है वो एसिड बन के एनहाइड्राइड का निकल जाएगा. ठीक है, और ये बाकी ग्रुप यहां पे लग जाएगा. तो अगेन यू विल गेट एन अमाइड लिंकेज. तो असाइलेशन अकेली हम एसिड क्लोराइड के साथ नहीं करते, हम एनहाइड्राइड के साथ भी कर लेते हैं. ठीक है, एनहाइड्राइड के साथ भी कर लेते हैं. अच्छा, इसका ही सब पार्ट है बेटे बेंजोलाइजेशन. ठीक है, इसका सब पार्ट है अगर आपकी नेमिंग में बेंजोलाइजेशन आ जाए.
है, एसाइलेशन में आप एलिफैटिक लेते हो, मतलब सीधा सीधा चेन वाली लेते हो। जब आ जाती है ना बेंजोलाइजेशन, तो आपको सीधी चेन नहीं, एक आपको बेंजीन वाली क्लोराइड लेनी होती है, ठीक है? ओके, यू हैव टू टेक बेंजीन वाली क्लोराइड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मिथाइल अमीन लू और मैं यहाँ पे C6H5COCl ले लू, ओके, तो ये ही रिएक्शन को, असाइलेशन को ही बेंजोलाइजेशन कहा जाता है। फर्क क्या है, हमने यहाँ पे ये जो है अराइल क्लोराइड ले ली, ठीक है, अराइल मतलब बेंजीन वाली ले ली, ठीक है। और अगर आपने सॉल्वेंट देना है पिरिडीन या कोई बेस देते हैं हम इसमें, तो हमारा ये देखो ये CH3 का एच और यहां से निकल जाएगा Cl, और बाकी जो बना देखो CH3NHCOO को मैंने खोल दिया, देन C6H5, क्योंकि यहां पे हमने बेंजीन दैट इज बेंजोइल क्लोराइड इसे कहते हैं, हमने ये ली तो इसे कहते हैं बेंजोलाइजेशन, ठीक है, इसे ही बेंजोलाइजेशन कहते हैं। और जब हम बेंजोलाइजेशन किसकी करवाते हैं, बेंजोलाइजेशन हम अमीन्स की करवाते हैं, आप प्रीवियस चैप्टर में कर चुके हो ऑलरेडी, अमीन्स की जब बेंजोलाइजेशन करवाते हैं इसको अदर नेम भी कहा जाता है, ठीक है। जब कौन सी अमीन, लेट मी टेक दूसरा अमीन नाउ, ये मैंने ले ली बेटे एनिलीन, दैट इज एरोमेटिक अमीन, ठीक है, इफ आई हैव टेकन एनिलीन, ठीक। अब इसकी जब मैं बेंजोलाइजेशन करवाऊंगी तो करवाओ अपने आप बेंजोलाइजेशन, अरे आप अपने आप क्या करो फटाफट से लिखने की प्रैक्टिस हो, हमने तो फटाफट लिख देना आपके लिए, तो आपको वही प्रोडक्ट ठीक है। जब मैंने एनिलीन की बेंजोलाइजेशन करवाई तो रिएक्शन को कहा जाता है बेटे शॉर्टन बोमेन रिएक्शन, क्या कहा जाता है, शॉर्टन बोमेन रिएक्शन, ठीक है। जब आप बेसिकली एनिलीन लेते हो आप मतलब एरोमेटिक अमीन लेते हो, ठीक है, अगर आप कोई भी एलिफेटिक अमीन लो तो ये शॉर्टन बोमेन रिएक्शन नहीं, ये सिंपल बेंजोलाइजेशन कहा जाएगी। अगर आप इसकी जगह पे एनिलीन ले लेते हो तो आपकी नेमिंग रिएक्शन बन गई, जहां पे नेमिंग रिएक्शन दैट इज इंपॉर्टेंट, आपको शॉर्टन बोमेन आनी चाहिए, ठीक है। ये एक्चुअली आती थी पहले वाले चैप्टर में अल्कोहल फिनॉल्स में, मगर चलो अब उस लेवल्स में नहीं है, तो वो इवन आपको इसी रिएक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब जो रिएक्शन करने जा रहे हैं दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वो एक डिस्टिंग्विश टेस्ट की तरह भी वर्क करती है, उसे कहते हैं बेटे कार्बाइल अमीन। और वो ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन्स के लिए होती है, ये मैंने ड्रॉ कर दी प्राइमरी अमीन, ओके, प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन के अंदर रिएक्शन कैसे याद करोगे, प्राइमरी अमीन के अंदर आप क्लोरोफॉर्म डालोगे और आप एक बेस डाल दोगे। देखो जैसे हमने होफमैन ब्रोमामाइड अगर याद हो तो कैसे करी थी, बेस तो डालना ही होता है, होफमैन ब्रोमा ब्रोमीन ली थी, अमाइड ब्रोमा अमाइड, अब ये क्या है कार्बाइल अमीन, तो एक आपने अमीन लेनी है, ठीक है, एक आपने अमीन लेनी है, कार्बन से याद रखना है, साथ में आपने क्लोरोफॉर्म लेनी है, और बेसिक मीडियम तो आपने प्रोवाइड करना है, ये सी से याद रखना है, हमने क्लोरोफॉर्म लेनी है। इसे इसके प्रोडक्ट के कारण ऐसे कहा जाता है इसका नेम, पर चलो आपने अभी याद रखना है कि हमने अमीन में डालना क्या है, जिस
वर्ड से रिएक्शन स्टार्ट हो रही है वो उसी वर्ड का रिएजेंट डालना है, दैट इज क्लोरोफॉर्म। ओके, दैट इज क्लोरोफॉर्म। और आपके पास यहाँ पे मिल जाएगा आइसोसायनाइड, ठीक है, आइसोसायनाइड। आइसोसायनाइड क्या है? आर एन सी, ठीक है, दिस इज आइसोसायनाइड। और गिविंग यू बाई प्रोडक्ट KCl, इसका सॉल्ट, और इसका क्या बन जाएगा? वॉटर। तो ये जो आइसोसायनाइड बना, इसकी बड़ी गंदी स्मेल होती है, फाउल स्मेल बेटे। ये डिस्टिंग्विश टेस्ट है, ये प्राइमरी अमीन अगर एग्जाम में आ जाए, हाउ यू विल डिस्टिंग्विश प्राइमरी अमीन विद दिस काइंड ऑफ सेकेंडरी अमीन। तो आप लिखोगे कि प्राइमरी अमीन तो ये टेस्ट देगा, सेकेंडरी अमीन दैट इज डाइमिथाइल अमीन ये रिएक्शन नहीं देगा। अच्छा, एग्जाम में कोई भी, अभी भी मैंने आपको पेपर में डाला, पेपर में टेस्ट में डाले थे, तो कई बच्चों जिन्होंने टेस्ट करे हैं, तो बेटे अगर आप रिएक्शंस नहीं लिखते तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलते। आपको अगर आ जाए डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथाइल अमीन एंड डाइमिथाइल अमीन और आप लिख के आओ इट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द कार्बाइल अमीन टेस्ट एज प्राइमरी अमीन विल गिव द फाउल स्मेलिंग आइसोसायनाइड, यू विल गेट जीरो मार्क्स और यू विल गेट हाफ मार्क्स, ठीक है, जब तक आप रिएक्शन नहीं लिखते, ठीक है, कोई भी डिस्टिंग्विश आ जाओ। अच्छा, दूसरी बात, बच्चों को ये भी क्लैरिटी नहीं है, डिस्टिंग्विश टेस्ट का मतलब है देयर शुड बी अ स्मेल, देयर शुड बी अ कलर, इस तरह की डिस्टिंग्विशन होती है। ये नहीं आप कह सकते कि ये इस तरह की रिएक्शन देता है, ये इस तरह की रिएक्शन देता है। जब आपको किसी का टेस्ट पूछा जाता है तो आपको स्मेल आनी चाहिए, आपको कलर कुछ बताए, क्योंकि जब भी आप केमिस्ट्री में लैब में टेस्ट करते हो, टेस्ट का मतलब है आपकी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, ठीक है, विदाउट ऑब्जर्वेशन कोई टेस्ट नहीं होता। आप कोई भी मर्जी रिएक्शन नहीं लिख सकते भी ये रिएक्शन इसके साथ हो रही है, इसके साथ नहीं हो रही, आपको कैसे नजर आया, ठीक है, आपको तो नहीं पता चला। तो रिएक्शन के बेसिस में हम डिस्टिंग्विश तभी कर सकते हैं जब आपकी ऑब्जर्वेशन आ रही हो, जैसे ये ऑब्जर्वेशन है, हमें स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, दिस इज अ डिस्टिंग्विश टेस्ट, ठीक है। तो अगर मेरे पास मिथाइल या इथाइल अमीन हो, फॉर एग्जाम्पल इथाइल अमीन हो, तो मैं इसको डाइथाइल अमीन से डिस्टिंग्विश कर सकती हूँ, एंड द रिएक्शन यू विल बैलेंस योर सेल्फ, ओके, बाय फॉर्मिंग अ आइसोसायनाइड। देखो जिनको अभी तक यही नहीं पता, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे एन है ना, और ये सी को जोड़ दो, ठीक है, KCl प्लस वाटर, को भी बनाना ही नहीं आता, तो सी से क्लोरोफॉर्म याद रखो, अमीन, दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन अगेन, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन इज बेटे रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। अगर नाइट्रस एसिड याद हो तो हमें कैसे बना था, जब हम डाइजोनियम्स बनाए थे, जब हमने सैंड में और गेटरमैन रिएक्शन करी थी, तब हमने नाइट्रस एसिड बनाया था, कैसे, NaNO2 को लेके और HCl को लेके, और आपने टेस्ट ट्यूब में डाला था तो आपको नाइट्रस एसिड मिला था, तो आप डाइजोनियम्स बनाए थे, इफ यू रिमेम्बर। अगर मैं वही डाइजोनियम, मैंने एनिलीन लिया, यही लिया था ना बेटे तब भी, और इसमें नाइट्रस एसिड क्या होता है, HONO, ये बनता कैसे था, NaNO2 प्लस HCl में, ठीक है। तो रिएक्शन मिक्सचर के ऊपर हम ये भी डाल सकते हैं, NaNO2 प्लस HCl, और टेम्परेचर क्या लेते थे हम, बर्फ में डालते थे, 0 to 5 degree, ठीक है, 0 to 5 degree आइस में रिएक्शन होती है, तो आपका डाइजोनियम सॉल्ट बन गया था, जिसके ऊपर आपने गेटरमैन सैंड में रिएक्शन करवाई थी और अपने हेलो एल्केन्स ऑब्टेन करे थे, ठीक है। अब ये भी हमें, देखो बच्चे ये डिस्टिंग्विश टेस्ट की तरह लिख के आते हैं, ये डिस्टिंग्विश टेस्ट नहीं है, अगर आप फर्दर नहीं करते इसको। अब कैसे डिस्टिंग्विश टेस्ट की तरह लिख के आते हैं, देखो बेटे एक हमने एनिलीन ली, ठीक है, एनिलीन ली, फिर ये एजोडाई टेस्ट देगा बाद में,
आपने बाद में लिखना होता है ये एजोडाई टेस्ट देगा, ये जो होती है एरोमेटिक अमीन, तो ये एनिलीन ली तो आपको डाइजोनियम मिला, मगर यही अगर आप एलिफेटिक अमीन ले लेते हो तो जो भी डाइजोनियम बनता है उसने बाई डिफॉल्ट ब्रेक हो जाना है और आपको एल्कोहल देना है। इवन अगर ये भी रिएक्शन अगर आप आइस में नहीं करके सिंपल करते हो तो आपको यहाँ पे एनिलीन नहीं मिलती है, नो सॉरी डाइजोनियम नहीं मिलता, आपको यहाँ पे फिनॉल मिल जाती है, यू विल गेट फिनॉल हेयर। ठीक है, अब अगर इसकी जगह पे मैं एलिफेटिक अमीन ले लूँ, देखो एरोमेटिक अमीन में तो एनिलीन मिला है, अगर हम एलिफेटिक अमीन ले लें उसको हम नाइट्रस एसिड, इसका मतलब नाइट्रस एसिड क्या है, NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्ट करें, तो चलो हमने मान भी लिया डाइजोनियम बन रहा है, इसने फर्दर ब्रेक हो जाना है और आपको एल्कोहल दे देनी, ये स्टेबल नहीं होता, इट विल गिव यू एल्कोहल नाइट्रोजन गैस एंड ठीक है ओके। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है बेटे, जो एलिफेटिक अमीन्स हैं वो एल्कोहल्स देते हैं, एरोमेटिक अमीन बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स देते हैं, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, गॉट इट। जो ये डाइजोनियम देते हैं एरोमेटिक अमीन भी, वो भी ब्रेक कर सकता है अगर आप अपना टेम्परेचर उसको आइस के बाहर निकाल दोगे, ठीक है। अगर आपको बाई चांस कोई रिएक्शन आ जाती है टू डिस्टिंग्विश मिथाइल अमीन फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम एरोमेटिक अमीन एनिलीन, तो आप ये लिख सकते हो, मगर आप लिखोगे कि फर्दर जो डाइजोनियम बना उसके ऊपर एजोडाई टेस्ट करना होता है, तो आपको ऑरेंज रेड या येलो कलर की डाइज मिलती है, अदरवाइज आपने कैसे पता करवाया कि आपको डाइजोनियम सॉल्ट मिला या नहीं, तो आपने ऐसे पता करवाया। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है हिंसबर्ग रिएजेंट। देखो बेटे ये जो अमीन है ना, इसमें जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वो सीधा सीधा, एक तो नेमिंग रिएक्शन आपने इस चैप्टर की कोई नहीं छोड़नी, चाहे वो गैब्राइल थैलामाइड है चाहे वो कोई भी है, मीन्स वी हैव डन सो मेनी, कार्बामिन टेस्ट किया, ओफेनबोमामाइड डिग्रेडेशन करी, ये सारी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेसिक नेचर पे, ये इस चैप्टर पे ऐसे है कि इस पे क्वेश्चन आना ही है, ठीक है, बेसिक नेचर पे क्वेश्चन आना ही आना, कोई होता ही नहीं कि नहीं आना। उसके बाद डिस्टिंग्विश टेस्ट पे आ जाता है, ठीक है। अब हमने एक कार्बाइल अमीन किया, कार्बाइल अमीन आपको प्राइमरी और सेकेंडरी को डिस्टिंग्विश करने में यूज हो जाएगा, या प्राइमरी से टर्शरी को, अगर हमारे पास प्राइमरी आए ही ना पेपर में, अगर आ जाए सेकेंडरी और टर्शरी को डिस्टिंग्विश करना है, ठीक है, तब हम कार्बाइल अमीन जो है रिएक्शन नहीं लिख सकते, हम क्या लिखेंगे, हिंसबर्ग रिएजेंट, वो होता है अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, ठीक है, हिंसबर्ग अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। इस रिएजेंट से चाहे आपके पास प्राइमरी है, चाहे आपके पास सेकेंडरी है, चाहे आपके पास टर्शरी है, सारे के सारे डिस्टिंग्विश कर सकते हो। कार्बाइल अमीन में सिर्फ प्राइमरी को सेकेंडरी और टर्शरी से डिस्टिंग्विश कर सकते हो, सेकेंडरी और टर्शरी दोनों को आपस में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, तो इस रिएक्शन में हम कर सकते हैं, ठीक है। हमने क्या लेना है, एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, तो दिस इज एराइल सल्फोनाइल और क्लोराइड। अब हमने डिस्टिंग्विश किसको करना है, हमने अमीन को, तो सबसे पहले मैंने लिया बेटे प्राइमरी अमीन, ठीक है, प्राइमरी अमीन, तो प्राइमरी अमीन का ये H और इसका Cl निकला और इन दोनों में बॉन्ड बन गया, जैसे कि हम अभी अमाइड बनाए हैं तो उसमें बनाया यहाँ पे COCl लिया था, तो यहाँ पे SO2Cl लिए, ठीक है, वी हैव टेकन SO2 एंड Cl, अब यहाँ से H और यहाँ से क्या निकल गया बेटे जी, Cl, व्हाट द पॉइंट, अब हमारे पास
लेट मी चलो यहाँ पूरा ही आ जाएगा। तो ये बेंजीन है, थोड़ा सा मैं इसको मैं कॉम्पैक्ट कर रही हूँ। ठीक है, अब इस ध्यान से ना इस एच को देखो, इस एच के कारण ना इस प्राइमरी अमीन को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास ये एच है इसलिए इट इज सॉल्युबल इन अल्कली। अल्कली का मतलब है आप के ओ एच वगैरह डालोगे तो आपको पता है के ओ एच, और इसका एच रिएक्ट करेगा, वाटर बनाएगा और ये सॉल्ट बना लेगा। यहाँ पे के आ जाएगा, यहाँ पे के अगर मैं करके दिखाऊँ आपको तो लेट मी रेज इट नाउ। ये आपको करने की जरूरत नहीं होती बेटे, जस्ट यू हैव टू राइट इट इज सॉल्युबल इन अल्कली। अगर मैं यहाँ पे के ओ एच डाल दूंगी तो यहाँ से एच ये निकलेगा और आपके पास सॉल्ट एंड वाटर बन जाएगा। ये जो सॉल्ट बने ना ये सॉल्युबल होगा। ये सॉल्युबल प्राइमरी के केस में होगा। इन केस ऑफ प्राइमरी अमीन जो भी प्रोडक्ट बना इट इज सॉल्युबल इन अल्कली। ठीक है, सॉल्युबल इन अल्कली। अब अगर हमारे पास सेकेंडरी अमीन हो तो लेट अस सी। अब ये देखो, ये फिर से हमने क्या लिया, अराइल, दैट इज बेंजीन, इसे बेंजीन भी कहते हैं, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड हिंसबर्ग रिएजेंट। अब डाई इथाइल अमीन ले लिया मैंने, ठीक है, यहां से एच निकला, यहां से सी एल निकला। तो वी विल गेट दिस। अब इस केस में हमें यहां पे कोई भी एच नजर नहीं आ रहा, तो अगर आप इसको अल्कली में डालोगे इट विल बी इनसॉल्युबल इन अल्कली, क्योंकि ये सॉल्ट ही नहीं बनाएगा उसके साथ। सो इनसॉल्युबल इन अल्कली। ठीक है, ओके। अगर हम सेकेंडरी अमीन लेते हैं तो दे आर नॉट सॉल्युबल इन अल्कली। अगर प्राइमरी अमीन लेते हैं और हिंसबर्ग के साथ रिएक्ट करते हैं उसके बाद वो सॉल्युबल है। ठीक, अगर हम टर्शियरी अमीन ले लें तो लेट अस सी। अगर मैं यहाँ पे एक एच रिमूव करके लेट मी टेक यहाँ पे करते हैं, ये एच रिमूव कर दिया मैंने और यहाँ पे एक सी टू एच फाइव बोल लिया, दैट इज टर्शरी। तो क्या यहाँ पे आपको एच नजर आ रहा है कहीं जो इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा? ठीक है, यहाँ पे कोई एच ही नहीं है जो एच सी एल की फॉर्म में बाहर निकले, तो यहाँ पे तो रिएक्शन ही नहीं होगी। यहाँ पे बेटे रिएक्शन ही नहीं होगी, तो टर्शरी अमीन बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। तो रिएक्ट नहीं करते सीधा आप लिखोगे कि हमने डाला तो रिएक्ट ही नहीं किया, वो जैसे थे वैसे रह गए। एक को रिएक्ट किया तो सॉल्युबल नहीं था अल्कली में, फर्स्ट को रिएक्ट किया
तो इवन वो सॉल्युबल था लिपिड. डन एवरीवन. 18 स्टूडेंट्स आर देयर. यस. हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्टिव? आदित्य, मानसी, तुषार, रवि, ध्रुव, गुंजोत, मान्या, भव्या, ध्रुव अगेन, ध्रुव, हरसिमरन, क्रिश, क्षितिज. लक्ष्य, प्रीतिका, सक्षम एंड सुप्रिया, अनवीर, यशिका. ठीक है, ओके. तो दिस इज अ अदर डिस्टिंग्विश्ड एस्पिरेटेड टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन. ये आपका कार्बाइल अमीन तो इम्पोर्टेंट है ही है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है. ठीक है, उसके बाद हमें पता है कि NH2 ग्रुप कैसा ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है. और अगर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप आप लेके आते हो तो आपको क्या मिलेगा, आपको ऑर्थो पैरा जो है वो प्रोडक्ट मिलेगा. ठीक है, अब जैसे कि हम चलो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाएं. सबसे पहले हेलोजनेशन करवाओ आप. और अगर आपको याद हो फिनॉल की जब सबसे पहले हेलोजनेशन करते हैं तो हम ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं. ठीक है, यू रिमेम्बर ब्रोमीन वाटर. तो ब्रोमीन वाटर में हमें क्या मिलता था, ट्राई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट. इन द सेम वे इस केस में भी अगर आप ब्रोमीन को पोलर सॉल्वेंट में रिएक्ट करते हो तो यू विल बी गेटिंग अ ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट. ठीक है, यू विल बी गेटिंग अ ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट. और इस ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट की क्या मतलब एडवांटेज है कि एनिलीन को जब हम ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो इस प्रोडक्ट के लाइट येलो पीपीटी बनते हैं. ठीक है, एनिलीन को ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करोगे तो एनिलीन के पास ये लोन पेयर है. लोन पेयर के कारण ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप नहीं है. ठीक है बेटे, आपकी सिलेबस में एक तो एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड है. वो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो होते हैं मेटा डायरेक्टिंग, क्योंकि वो माइनस आर वाले होते हैं. अगर देखो बेंजीन जहां पे है वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. ठीक, बेंजीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अब हमने देखना है कि बेंजीन के ऊपर कौन सा आपने फंक्शनल ग्रुप लगाया है. अगर तो आपने एल्डिहाइड कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड लगाया है तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल आप मेटा पोजिशन पे भेजोगे. अगर आप NH2 ग्रुप लगा दोगे तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल आप कहाँ भेजोगे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे. तो अभी आपके अल्कोहल फिनॉल ईथर या हेलोजनेशन तो खत्म हो गई है, इसलिए हम अब इनकी बात करें कि हमने ऑर्थो पैरा ग्रुप बनाना है. अच्छा, अब हम ये चाहते हैं कि हमारा मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बने तो हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे जो पहले किया था एसाइलेशन रिएक्शन से. एसाइलेशन रिएक्शन में क्या होगा तो आपको पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा. क्यों? क्योंकि इसके जो लोन पेयर हैं उसके साथ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लग जाएगा जो इसको इतने सारे इलेक्ट्रॉन पहुंचाने नहीं देगा. तो अगर मैं इसको इसकी एसाइलेशन करवा दूं, फॉर एग्जांपल इसको एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करवा दूं, तो हम कर चुके हैं अभी, तो यहाँ पे ये इधर लग जाएगा, हमें पता है एच इसके साथ निकल जाएगा. तो ये N सब्स्टिट्यूटेड के सब्स्टिट्यूशन हो गई. ठीक है, अब ये इतना रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, तो इसके साथ भी ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है. ठीक है, इसलिए अब ये इतना रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाया. अब हम अगर ब्रोमीन ऐड करवाएंगे तो इसको दो पोजीशन मिल रही है. तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो ये पैरा पे अटैक करेगी. ठीक है,
पैरा पे अटैक करेगी। और हमें पता है जब हम अमाइड या कुछ ऐसा ग्रुप बनाते हैं तो हमें अगर फापिस से तोड़ना हो तो हम क्या करवाते हैं, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस कैसे करवाई जाती है, वाटर या बेसिक मीडियम में या एसिडिक मीडियम में, आपकी मर्जी है आपने बेसिक मीडियम लेना है या आपने एसिडिक मीडियम लेना है। बेसिकली तो आपने तोड़ना ही है, आपने यहाँ से तोड़ देना है, तो आपको फिर से एनिलीन सी ब्रोमो 1, 2, 3, 4 ब्रोमो एनिलीन मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पैरा ब्रोमो एनिलीन मिल जाएगी। ओके, तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कैसे आता है, कन्वर्ट एनिलीन इनटू पैरा ब्रोमो एनिलीन, तो ये सीधी रिएक्शन नहीं है, इसमें आपने पहले एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगाना होता है कि आप NH2 को प्रोटेक्ट कर सको। इसलिए आपने ध्यान रखना है कि आप क्वेश्चन में पूछा गया क्या है। अगर ये पूछा गया कि रिएक्ट विद ब्रोमीन, तब तो हमें ट्राई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर पूछ ही रहे हैं ये बनाओ जी पैरा ब्रोमो एनिलीन, तो आपको इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करवा देते हो तो आपको ट्राई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बनता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। जो प्रोडक्ट मिलता है वो आपका फिर रॉन्ग हो जाएगा। तो ध्यान से आप अपने रिएक्शन को पढ़ोगे, एनिलीन से आपने क्या बनाना है, पैरा ब्रोमो एनिलीन, तब हमने इसकी क्या करवानी है, एसाइलेशन। ठीक है, वैसे अगर पैरा नाइट्रो एनिलीन आ जाए तो आप सेम करो, जल्दी करो, पहले एसाइलेशन करवाओ फिर यहाँ पे आप नाइट्रेशन करवा दो। यहाँ पे ब्रोमिनेशन की जगह पे ना, यहाँ पे ब्रोमिनेशन करवाई ना हमने, पहले ये करो, ये वाली रिएक्शन लिखो, सेम यहाँ पे नाइट्रेशन करवाने के लिए आपके टिप्स पे होना चाहिए, हमारा रिएजेंट ये है, तो यहाँ पे नाइट्रेशन हो जाएगी। NO2, ठीक है, अभी हो जाएगी नाइट्रेशन, उसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस करवा लो। अगेन वैसे लिखो अपने आप, हरी अप इसको तोड़ दो, H पॉजिटिव वाटर की भी प्रेजेंस में तोड़ दो इसको, यहाँ से ऐसे इसको हाइड्रोजन दे दो, इसको OS दे के अलग कर दो, हरी अप। जल्दी 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 जल्दी, विल कंटिन्यू दिस चैप्टर, विल बी फिनिशिंग टुमारो बेटे, खत्म बस एक ही रहेगी इलेक्ट्रोफिलिक, एंड विल स्टार्ट विद नाउ रिवीजन। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्योंकि आपने देखी भी नहीं है, तो आई विल गिव यू थोड़ा थोड़ा बता के फिर हम क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे उसके बारे में। ठीक है।